कि सब कडर से हुए हैं फरारे, अब छपरा लवट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, अगर ईश्वर ने ये शरीर दिया है तो दुनिया के लिए कुछ कर जाइए, अपने परिवार के लिए तो पूरी दुनिया करके मर गई, कोई किसी को नहीं जाना, लेकिन जो दुनिया के बारे में सोचा उसको दुनिया ने प्यार दिया और वो दुनिया में और अपने किताब के पन्नों में रहा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने परिवार के लिए किया वो परिवार उनके साथ नहीं, वो दुनिया। तो बनाना है तो समाज बनाइए, समाज बनाइए। पैसे आपके प्रतिष्ठा को नहीं रोक सकता है। अपने फैन से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सिनेमा चाहे जो भी हो सबको आप प्यार दीजिए। आपका भाई हूँ मैं और आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं। लेकिन किसी को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिनेमा बनेगा, चाहे दिनेश भैया का छोड़ा हुआ सिनेमा मैं करूँ, अच्छा है जो मैं सिनेमा नहीं कर रहा हूँ वो करें, वो मैं, ये आपस की चीज़ें होती है। कभी कभी तो होता नहीं है कि शादी तय हो गया, छेका तिलक के बाद तो आ गई, तब तक ले पता चल कि ना तिलक अब ब्याह दूसरा जगह हुई, तो उसमें बेटा बेटियाँ दोषी नहीं होते हैं और ना ही दूल्हा दोषी होता है। वो एक समय है कि उस लड़की का किस्मत वहाँ नहीं था, कहीं और था, वो गई वहाँ, तो उसके लिए कोई दूल्हा दोषी नहीं होता है क्योंकि उस दूल्हे ने नहीं छीनी है। और जहाँ तक एक और सिनेमा था उसमें भी मैं हीरो था, लेकिन उसके हीरो आज दिनेश भी हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम का भी हीरो मैं था। लेकिन तो हो सकता है ना, ये तो दुनिया है, जिस जो मेरे किस्मत में नहीं होगी वो मुझे मिल नहीं सकता और जो मेरी किस्मत नसीब में होगा उसको कोई टाल नहीं सकता। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे कोई भी हरकत मत करिए, अच्छा है कोई भी ऐसा कटाक्ष फेसबुक पे मत करिए आप लोग, क्योंकि सब स्टार आपके भाई हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। और सोशल मीडिया पे मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और वर्ल्ड का चौथा पाँचवा छठा आदमी मुझे बना दिया आपने पूरे विश्व का, तो ये आपका प्यार है और आपकी मोहब्बत है मेरे लिए, इसकी हमेशा सम्मान करूँगा। लेकिन इस मोहब्बत में आप किसी और को मेरे वजह से आप बिल्कुल कुछ मत बोलिए, क्योंकि देखिए उसमें खेसारी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप बुरे बन जाएंगे तो आप किसी स्टार के लिए, किसी अपने भाई के लिए जिसको आप इतना प्यार करते हैं उसके लिए आप किसी और को गाली दें, बात बोलें, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी मेरे बड़े भाई हैं और हर आदमी मेरे बड़े भाई की तरह है, और आप उसको कुछ बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपकी सम्मान करता हूँ कि आप मुझे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस सम्मान में आपके मोहब्बत में किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे सम्मान देते हैं तो उसी तरह हर आदमी को सम्मान दीजिए। आपको सिनेमा जिसका देखना है वो आपके मन की चीज़ें हैं, आप जिसका देखना है देखिए, लेकिन सम्मान में किसी की कमी मत करिए। आपके बातों से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि हर आदमी अपने काम में कैपेबल है, जिसको जहाँ करना है मन मिलता है वहाँ करता है, उसमें ना वो दोषी है ना मैं दोषी हूँ ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोषी है। मैं पहले ही बोला कि शादी होता है, तिलक एक दिन पहले से भी बारात कट जाता है और शादी कट जाती है, उस लड़की का शादी दूसरे जगह होता है, उस लड़की का शादी दूसरा जगह, तो एक समय का फेरा है उसमें दोषी। आज मेरे पास जो दो वक्त की रोटी है मैं इसको बचा कर खाना चाहता हूँ, ये नहीं कि हम पाँच रोटी कमाने के चक्कर में मैं आज अपना भूल जाऊँ। तो आज मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो मेरी धरोहर है, जो मेरे माँ बाप हैं, उन्हीं को सेवा करना चाहता हूँ, उन्हीं पब्लिक को अपनाना चाहता हूँ कि जो मेरे पास आज पब्लिक है उनको कभी तकलीफ ना दूँ। भविष्य में कितनी मेरी पब्लिक होगी ये मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उसके लिए डे बाय डे अच्छा काम जितना करूँगा अपने आप दुनिया मुझे प्यार करेगी। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जब भी करूँ तो अच्छा करूँ, ताकि लोगों के दिल में और दिमाग में हमेशा बना रहूँ। देखिए पिछले साल जो बीत गया, जौन बीत गलू आई कैसे, जौन झड़ गलू फुलाई कैसे, ये दुनिया का दस्तूर है, जो झड़ जाता है वो फुलाता नहीं है, और जो बीत गया वो आता नहीं है, हाँ उसकी यादें रह जाती है। तो संघर्ष हो, चाहे दुल्हन गंगा पार हो, दबंग सरकार हो, नागदेव हो, राजा जानी हो, या जो भी मेरी के बलम जी लव यू हो, तो जो भी मेरी सिनेमा रिलीज हुई पिछले साल वो काफ़ी असरदार रही, लोगों के दिल में रही, उसके सारे फिल्मों के कहीं ना कहीं गाने अच्छे बजे, हिट रहे, तो एक लोगों का प्यार है और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसरों का एक विश्वास है खेसारी पे, जो वो जताते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इनके विश्वास पे खड़े उतरूं। कि सब कडर से हुए हैं फरारे, अब छपरा लवट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, यू का गाना था और एक आम भाषा की वो बातें हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं तो हाँ ठीक है, ठीक है,
और मेरे विचारों में आया, और ये इसका श्रेणी मुझे नहीं जाता है। मैं हर चीज़ का, जो चीज़ें मैं अपने से, ऐसा नहीं कि मैंने पैदा किया है, ठीक है, ये हर आदमी के दिल में है, हर आदमी के जुबान पे है, ठीक है। और उसको मैंने एक संगीत का माहौल दे दिया, उसको एक म्यूजिक का माहौल दे दिया, और लोगों को इसलिए अच्छा लगा। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसको विदेश में भी बहुत तादाद में लोग सुन रहे हैं। जिनको भाषा, हमारा भाषा नहीं समझ में आता है, वो भी इस पर इंजॉय कर रहे हैं। अच्छे अच्छे घर में ये गाना बज रहा है, अच्छे अच्छे IPS अफसरों भी इसको पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बलगराटी से जब हट के कुछ आप करिएगा और लोगों को उसमें मज़ा आएगा, आप देना नहीं कोशिश करते। हमारे यहाँ एक बलगराटी की एक दाग सी लग गई है कि नहीं बलगराटी है, जबकि सिनेमा में हम कोई बलगर चीज़ें नहीं करते, इसलिए कि उसके लिए सेंसर होता है। बलगराटी वहाँ होता है जहाँ पे कोई सेंसर नहीं है, बच्चे वही बिगड़ते हैं जिनके गार्जियन नहीं होते हैं। तो बिहार में जो नए नए गायक हैं उनके कोई गार्जियन नहीं है। अगर सेंसर बोर्ड होता, सरकार उस पर अमन करती, तो शायद चीज़ें नहीं होती। और सबसे बड़ी गलत ये है कि अगर हर आदमी गंदा गाना ही सुनना छोड़ दे तो लोग गाना छोड़ देंगे। और आज उसका उदाहरण है, ठीक है, जब जब कहबू तब हुई, लव कलश सब हुई। इसका ज़रूरी नहीं कि अगर हम आपकी बार, हम हर आपकी बातें मानेंगे, लेकिन जब आपसे मेरी मोहब्बत होगी तो ही मानेंगे। हम आप पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? उस गाने का एक थ्योरी है कि जब जब कहूँ तब हुई, लव कल सब हुई, बहुत बड़ा हिट गाना मेरा है। और ठीक है, ये दो गाने मेरे, मैंने समझिए कि औसम हिट है, इस साल के सबसे बड़े हिट दोनों गाने साबित हुए। तो इसमें है कि आप जब तक किसी से प्यार नहीं करोगे, आपका बात को कैसे मान सकता है? कल चल के अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो आप पे एक विश्वास हो जाती है और आप जो भी मदद मांगोगे मैं दे सकता हूँ। लेकिन जब तक आप, मैं आपको जानूंगा नहीं, मैं पहचानूंगा नहीं, आपसे मेरी कोई परिचय नहीं है, तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ जो मेरे नेचर में है, बाकी कोई नहीं। कि सब का डर से हुए हैं फरारे, अब छपरा लवट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। गाने में कौन सा संघर्ष है पगला? गाने में कोई संघर्ष नहीं होती है। देखिए, एक सटीक चीज़ होती है, जो अगर आप इस धरती पे जो भी चीज़ें हमारे आम भाषा में चीज़ें होती है, वो बहुत बड़ा हिट होता है। और ये आम भाषा में है, हर आदमी बोलता है, ठीक है, ठीक है। तो एक आम भाषा की चीज़ थी और लोगों ने पसंद किया। मैं पहले ही बोला कि म्यूजिक का रूप दे दिया मैंने, बशर्ते ऐसा नहीं कि मैंने इसको पैदा किया है, ये मेरा पैदा किया हुआ चीज़ नहीं है। और ये आज़ाद की सोच थी, जो मेरा छोटे भाई की तरह है। और आज़ाद ने सोचा और उसने बोला कि भैया, हम लोगों ने गाना लिखे हैं, देखिए तो कैसा है। तो उसमें कुछ शब्द हम लोग अपने तरफ से, सब लोग बैठते हैं तो हम लोग अपनी चीज़ों से, और ज़्यादा फनी में ज़्यादा मुझे विश्वास होता है। ये गाना फनी ही है, देखा जाए तो हरा हरा खून बहल, ये सब जो चीज़ें हैं, तो काट लेलस कुकुर सला हरा हरा खून बहल, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमारे यहाँ, मैंने ये कॉमेडी टाइप का है, तो लोगों को अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है, तो लोग सुन रहे हैं और बड़ा प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है कि मेरे करियर का सही आरब के लेना एक गाना था मेरा, उसके बाद बहुत सारे गाने मेरे हिट हुए, लेकिन ये सबसे ऊपर बजा, जो कि आज इंटरनेशनल बज गया। मेरा पहला कोई गाना होगा जो इंटरनेशनल बजा, और भोजपुरी का दूसरा गाना है इंटरनेशनल बजने वाला। तो कोशिश रहेगी यही कि जहाँ भी हमारे भोजपुरी ऑडियंस हैं, उनके दिल को, जहाँ भी हम रहें, और जो भोजपुरी को नहीं जानते हैं, वो भी दुनिया कहे कि हाँ, भोजपुरी में भी ऐसे ऐसे गाने बनते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। तो कोशिश यही है। फिल्म, जिस फिल्म का नाम है जाल, जिसके बाबू त्यागी जी प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, MI Raj जी, और देखा जाए तो ये फिल्म पूरी परिवार की तरह बन रही है, और बड़ा मज़ा आ रहा है काम करके, क्योंकि सब लोग एक फैमिली की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, और सबके, सब लोग उर्जवान दिख रहे हैं। तो नए साल में हम लोग शुरुआत एक अच्छी सिनेमा से कर रहे हैं, ये खुशखबरी है। और जाल भी एक ऐसा संदेश है कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं कर देते, लेकिन अगर उनकी एक डांट हमें लगती है, जी नहीं, हमारे पापा ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसी बेस पे एक कहानी बना रहा हूँ। और शायद हमें विश्वास है कि हमारी जनता को ये कहानी बड़ी अच्छी लगेगी। किरदार मैं इसमें चोर हूँ एक चोरी जो गांव में सरसों से चुराता था, पहले मकई का बाल तोड़ता था। तो मैं इनसे बोला कि सर, मेरा जीवन में मैंने चोरी बहुत की है,
अपने घर का सबसे नलायक औलाद में ही था। कोई ऐसा दिन नहीं था कि घर पे एक दो लोग आकर ना बोल दे कि आपके बेटे ने गलती किया। तो मैं बोला कि सब का डर से हुए हैं फरारे, अब छपरा लवट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है।